मूवी की स्टार्टिंग में ही हम एक समुंदर की गहराई को देखते हैं जहाँ पर अर्थ की गैसेस रिलीज हो रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रैंडल होता है। एमिली और रैंडल अपने वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए अपने फादर के कॉटेज में ही आए होते हैं। उस बीच हाउस के पास में और भी बहुत सारे घर होते हैं लेकिन वो घर सारे खाली होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली वॉशरूम में जाती है और वहाँ का पानी देख कर वो समझती है कि ये पानी आम नहीं है बल्कि बहुत ही अजीब सा पानी है। इसके अलावा उसे एक बात और खलती है क्योंकि वहाँ पे उसे एक कैबिन दिख रहा था, उसमें बहुत सारी मेडिसिन रखी थी। ये बात काफी अजीब लग रही थी क्योंकि वो घर तो बिल्कुल ही खाली था। उस जगह के बाद में फिर वो किचन में जाती है। किचन की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि रिसेंट में कोई रह रहा है। एमिली जब सारे घर को चेक कर रही होती है तभी अचानक से देखते हैं कि एक लेडी अंदर आ जाती है जिससे एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो छुप जाती है। फिर एमिली छुपकर उस लेडी को देखती है। तभी एमिली रैंडल को बुलाने के लिए ऊपर चली जाती है लेकिन वो लेडी एमिली के कदमों को सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। इससे पहले कि रैंडल वहाँ पर पहुँचता वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। एमिली और रैंडल जब पूरे घर को चेक करते हैं तब देखते हैं कि वो लेडी वहीं पर छुपी थी, जिस पर रैंडल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके बाद में वो लेडी ऐसे एक्सप्रेशन दे रही होती है कि उसी का ही वो घर हो। उतने ही देर में हम देखते हैं कि वो लेडी का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये बात खुल जाती है और दोनों का नाम मिच एंड जैन होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रैंडल के फादर के ही पुराने फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों बताते हैं हम तुम्हारे फादर की मर्जी से ही यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके सुनने के बाद एमिली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, जिस पर एमिली बोलती है कि हम लोग एक रूम रेंट पर ले लेंगे, जिसके बाद में मिच मना कर देता है। उसके बाद में उन दोनों को ही उसके घर पे इनवाइट करता है। रैंडल को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन एमिली इस बात से खुश नहीं होती है। वो बाहर जाकर बैठ जाती है तभी देखते हैं कि उसे एक स्लग कीड़ा नजर आता है। फिर रात में मिलकर वो सारे डिनर करते हैं। डिनर में वो ऑस्टर्स भी होते हैं तो जेन लेकर आई, वो सारे ऑस्टर्स को खाते हैं लेकिन एमिली उसको नहीं खाती है। तभी एमिली उन लोगों को बताती है कि मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोबायोलॉजी में है और वो बताती है कि लाइफ बिल्कुल अनवेल है और हमारा एलिमेंट राइट से बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है और अगर कोई भी चीज इधर से उधर अपनी जगह से इधर उधर हुई तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है और हम इंसान नहीं बच पाएंगे और इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बस इस अर्थ में डस्ट और गैसेस ही बचेंगी। उन लोगों को एमिली की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है लेकिन फिर भी एमिली की बातों को इंजॉय करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद आती है और देखते हैं कि बातों बातों में ही उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। रैंडल उन्हें एरोआना फिश ऑफर करता है जिसे खाने के बाद वो सारे फुल हो जाते हैं। तभी मिच नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर बहुत ही अजीब सा है लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे गैलरी में खड़े होते हैं, वो बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। वहाँ पर माइक्रोस हवा में फ्लोटिंग कर रहे हैं। असल में देखते हैं कि वो माइक्रोस पानी में होते हैं और हवा में देखना तो बहुत ही अजीब सी बात थी। जेन माइक्रोस को देखने के लिए मिच को बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है, इस पर मिच उसे जाने देता है। वो नोट करती है कि माइक्रोस हर जगह जम चुके हैं और उन्हें छूती है। जैसे ही वो टच करती है तो टच करने के बाद में उसे खांसी आने लगती है। ऐसा उसे माइक्रोस की वजह से नहीं होता है बल्कि वहाँ पर चारों तरफ फॉग ही होती है और वहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। देखते हैं कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब जेन बहुत देर तक वापिस नहीं आती है तो मिच उसे देखने के लिए बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल को देखते हैं, वो बेहोश पड़ा होता है। तभी एमिली देखती है कि चारों तरफ रूम में फॉग फैल चुका है जिसकी वजह से वो दरवाजे को बंद कर लेती है लेकिन देखते हैं कि एमिली भी फॉग के लपेट में आ जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। आधी रात में एमिली की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जेन को बहुत तेज खांसी आ रही होती है। वो उसे देखने के लिए उनके रूम में जाती है। जब उसे मिच देखता है तो दरवाजा नॉक कर देता है। उसके बाद में एमिली रैंडल को उठाती है और वो दोनों अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि रैंडल और एमिली को हेडेक हो रहा होता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें बीच में जाना चाहिए। जब वो दोनों नीचे उतर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेन दिखती है। वो काफी ज्यादा चुपचाप बैठी होती है और वो बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। मिली उसके पास में जाती है तब देखती है कि जेन ने अपनी सारी मेडिसिन खत्म कर ली है। जब उसके करीब में जाती है तब एमिली देखती है कि जेन की पूरी स्किन बुरी तरह से निकल रही है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली और रैंडल मिच को ढूंढने के लिए बीच पर जाते हैं और ढूंढते ढूंढते जब मिच मिलता नहीं है तब वो लोग दोनों बीच पर ही बैठ जाते हैं। अचानक से देखते हैं कि रैंडल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। वो अपने रूम में जाता है और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन और कीज वहीं पर भूल जाता है। रैंडल के जाते ही वहाँ पर मिच भी पहुँच जाता है और उसे इस बात का पता होता है कि जेन का क्या हाल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडल को देखते हैं, वो पानी को टेस्ट कर रहा होता है। पानी एकदम से पूरा चेंज हो चुका था, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो एमिली के पास दोबारा जाने लगता है। तभी अचानक से रैंडल को ऊपर से आवाज आती है, उसे लगता है कि मिच ऊपर होगा। उसे देखने के लिए ऊपर जाता है लेकिन देखते हैं कि मिच तो एमिली के पास में ही बैठा था, जो इसे कह रहा होता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है, जिसके बाद में देखते हैं कि वो स्विमिंग के लिए चला जाता है। अभी देखते हैं कि वो बीच के पास में जाकर अचानक से गायब हो जाता है। तभी एमिली वहाँ पर जाती है और वो मिच मिलता नहीं है। तभी एमिली का पैर एक जेलीफिश के ऊपर पड़ जाता है जो कि एमिली को काट लेती है। एमिली देखती है कि उसके जख्म में एक कीड़ा रेंग रहा है। तभी एमिली नोटिस करती है कि जेलीफिश समुन्द्र के चारों तरफ फैली पड़ी है। वो जल्दी से भागकर अपने घर जाती है और किचन से एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आती है और उस कीड़े को बाहर निकालती है। अभी वो नोटिस करती है ये कोई कीड़ा नहीं है बल्कि ये जेलीफिश का टेंटिकल है जो कि म्यूटेंट होकर एक कीड़े की शक्ल में आ गया। एमिली उस कीड़े को निकालकर जल्दी से पट्टी करती है और कपड़े चेंज करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। अभी वहां पर देखते हैं रैंडल आ जाता है, क्रॉलिंग करते हुए वो जाता है। एमिली देखती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और उसकी हालत जेन ने की थी, जो कि अब वो इंसान नहीं रही बल्कि वो एक क्रिएचर में चेंज हो चुकी थी। एमिली और रैंडल जेन से बचने के लिए वहां से निकलते हैं लेकिन किसी तरह देखते हैं कि वो बचते नहीं है। वो दोनों जाकर घर के पास से हेल्प मांगते हैं लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता है। अभी एमिली रैंडल से पूछती है कि ये तुम्हारा हाल कैसे किया, लेकिन रैंडल को कुछ भी पता नहीं होता है और उनके पास चाबी भी नहीं थी कि वो यहां से भाग सके। फिर वो दोनों नोटिस करते हैं कि जेन की तरह ही वो एक आदमी क्रॉलिंग करते हुए उनके पास में आ रहा था। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और देखते हैं कि रात हो जाती है। देखते हैं कि चारों तरफ फॉग ही फॉग होती है। दोनों रोड पर चलते हैं लेकिन देखते हैं कि रैंडल की बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है। फिर देखते हैं कि एमिली को एक पुलिस कार मिलती है। उस गाड़ी में एक रेडियो होता है जिसकी मदद से वो मैसेज छोड़ती है और वो हेल्प के लिए बोलती है। उसके बाद में उसे रिप्लाई भी आता है और वो बोलता है कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर वो पूछती है कि क्या फॉग की बात कर रहे हो, उस पर रिप्लाई आता है नहीं और वो बोलते हैं कि ये फॉग नहीं है। उसके बाद में कॉल कट जाती है। अभी हम देखते हैं एमिली एक घर की खिड़की तोड़ती है और उस फॉग से बचने के लिए उस घर में चली जाती है। वहाँ पर टीवी भी होती है और वहाँ पर न्यूज चल रही होती है। उन्हें ये पता चलता है कि उनके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि पूरे शहर में ऐसा हो रहा है और ये सब उन माइक्रोवेव्स की वजह से ही हो रहा है और ये माइक्रोवेव्स अंडर वाटर होते हैं लेकिन अर्थ के बहुत हीट होने की वजह से वो लोग सरफेस के ऊपर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा रिलीज भी होते जा रहे हैं और इंसान के करंट लाइफ फॉर्म को मारकर ये न्यू लाइफ फॉर्म को जन्म दे रहे हैं। इनका ये मकसद बन चुका है कि वो इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तभी एमिली कार की चाबियों को ढूंढती है क्योंकि उन लोगों को जल्दी ही वहां से निकलना था। तभी एमिली बेसमेंट में जाती है और वहां पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं क्योंकि उन सिलेंडर की वजह से वो इस फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैंडल अब वॉमिटिंग कर रहा था। तभी देखते हैं कि रैंडल के वॉमिट से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और देखते ही देखते रैंडल भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं, वो बेसमेंट में होती और तभी उसने एक आदमी को देखा होता है जो पूरी तरह से म्यूटेंट हो चुका था। देखते हैं कि वो दूसरे आदमी को भी खा रहा होता है। तभी एमिली उस सिलेंडर को उठाती है और वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है और वहां पर आकर देखती है कि रैंडल भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। एमिली के पास कोई भी उपाय नहीं होता है। तभी वो सिलेंडर से कुचलकर रैंडल को मार देती है और उतनी ही देर में एमिली को कीज भी मिल जाती है। एमिली वहां से निकलती है लेकिन देखते हैं कि चारों तरफ डस्ट और फॉग ही फॉग होता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता है और आगे जाकर वो एक पेड़ से टकरा जाती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि एमिली पर भी क्रिएचर का असर होने लगा था, यानी कि क्रिएचर्स के कुछ सिम्टम्स आने लगे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं एमिली बीच में पड़ी होती है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो बार बार एक ही शब्द रिपीट कर रही होती है, डरना नहीं है। अचानक से देखते हैं कि पानी की बहुत बड़ी लहर आती है, एमिली को अपने साथ में बहाकर ले जाती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।